बोलती ना हो बीबी, वैसे मैं बहुत बोलती हूँ. माई नेम इज श्वेता, आई एम फ्रॉम GSKV SP रोड, नागलोई, दिल्ली 41. मैं नर्सरी क्लास से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रही हूँ और मुझे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारे इलाके का सबसे मशहूर स्कूल है, क्योंकि वो हर मामले में नंबर वन है. क्लीनिनेस से लेकर उसकी पढ़ाई, करिकुलम एक्टिविटीज़ सब में वो हमेशा नंबर वन रहा है, इसलिए हमारे इलाके के ज़्यादातर बच्चे उसी में जाना पसंद भी करते हैं. अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी इंडिया का बेस्ट जो स्कूल है वो गवर्नमेंट, वो सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हुआ है. पहले की तरह आप टूटे खिड़की, दीवार या फिर पंखे नहीं हुआ करते हैं, बल्कि हर हफ्ते में यहाँ पर चेकिंग भी होती है कि कोई चीज़ टूटी है तो उसको दोबारा रिपेयर कराने के लिए. इसके साथ साथ 11th में जो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया का जो कोर्स कराया था इंग्लिश मीडियम का, वो भी जो बहुत महंगा कोर्स है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में प्रोवाइड किया गया 3 महीने का, जिससे मैंने नोटिस किया कि मेरी इंग्लिश जो है वो काफ़ी सुधरी है और इसकी वजह से ही मैं आज बोर्ड में 94 मार्क्स लेके आई हूँ इंग्लिश में, वरना मेरे लिए तो काफ़ी टफ था ये लाना, और जिसके कारण मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है. मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबों के लिए बहुत सारा काम करूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मेरे को उस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है लाइफ में अपनी, और मैं ये सारा काम बिल्कुल बिल्कुल भी सेल्फलेस करना चाहती हूँ. कहते हैं जैसे वातावरण होता है वैसे ही हमारा पढ़ाई में ध्यान लगता है. तो पहले क्या होता कि एक पंखे में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, पानी की प्रॉब्लम है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, क्लीनिनेस नहीं है, पर अब स्कूल में इतना ज़्यादा क्लीनिनेस है क्योंकि प्रिंसिपल मैम भी हर हफ्ते ध्यान देती हैं कि कहीं भी गंदगी ना हो, हमेशा वो ख्याल रखती हैं ताकि बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में लगा रहे, क्योंकि साफ़ वातावरण में ही हम अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे.